दोस्तों, जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ की पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जी हाँ, सबको ऊपर वाले ने अलग अलग तरह से बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा अलग होते हैं और वही लोग इतिहास भी रचते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने तमाम परेशानियां होने के बाद भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। जी हाँ, ये लोग हमसे बहुत ही अलग हैं और इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जसप्रीत सिंह कालरा। वेल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपने भारत के एक ऐसे लड़के को जिसे रबर मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जो कि वाकई में अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। आज हम आपको इनके बारे में बताते हैं। ये देखिए कैसे इन्होंने अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लिया है। जी हाँ, ये देखिए कैसे इन्होंने अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ कर लिया है। क्या बात है यार, ये देखिए कैसे यहाँ पर इन्होंने अपनी बॉडी को टर्न किया है। ये भारत के सबसे फ्लेक्सिबल इंसान का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 12 साल की उम्र से योग करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये बहुत ही आइडियल उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप ही खूब मेहनत की। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यहाँ पर भी यही देखने को मिला। जी हाँ, जसप्रीत सिंह कालरा को आज के दिन में सब जानते हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टैब्लिश कर लिया है और ये बड़े बड़े इवेंट में हिस्सा लेते रहते हैं और दुनिया को बताते हैं कि अगर आप किसी काम से प्यार करते हैं तो आप उस काम में सबसे बेस्ट भी बन सकते हैं, बस आपको मेहनत करना जरूरी है। ट्रिफनी एडम्स। वेल दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं एक और कहानी। एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि 17 साल की उम्र में ऑलमोस्ट मर गई थी। जी हाँ, ये हैं ट्रिफनी एडम्स, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था। ये 17 साल की थी और मॉडल बनना चाहती थी। ये अपने स्कूल में सबसे खूबसूरत दिखने के अलावा सबसे बढ़िया स्पीकर भी थी। ऐसे में इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा था। सबको मालूम था कि एक दिन ये जरूर नाम कमाएंगे, लेकिन जिस दिन ये स्कूल गईं और अपने तीन दोस्तों के साथ मस्ती के लिए निकली, किसी को क्या मालूम था कि आज इनकी लाइफ बदल जाएगी। जी हाँ, इनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इनके तीनों दोस्तों की मौत हो गई। जब डॉक्टर ने इन्हें कार से निकाला तो इन्हें देखकर सबसे पहले यही कहा कि इनकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन ये जैसे तैसे बच गईं। दोस्तों, उसके बाद तो इन्होंने एक बार फिर से अपने सपनों को साकार करने की ठान ली। जी हाँ, इन्होंने दिन रात मेहनत की और अंत में जाकर ये अपने टूटे हुए पैर से ही मॉडल जरूर बन गईं। ये बताने के लिए काफी है कि किसी का पैर टूट सकता है तो किसी का हाथ, लेकिन जब तक किसी का मन नहीं टूटता तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। क्या सफलता पाई है इस लड़की ने, सबका दिल जीत लिया। जियांग जेंग जुई। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने कमाल कर दिया। जी हाँ, ये है चीन की 7 साल की बच्ची। जब ये 5 साल की थी, उसी समय स्कूल से आते वक्त इनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी माँ जब इनको बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर ने इनकी माँ को साफ साफ कह दिया कि इनके बचने की कोई चांस नहीं है। ऐसे में दोस्तों, किसी भी माँ पर क्या बीतेगी ये बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक बात ये भी सच है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जो चल भी ठीक से नहीं पा रही थी, वो डांस करने का शौक रखती थी। जी हाँ, जियांग जेंग जुई ने बिना पैर के भी नाचना शुरू कर दिया और एक पल ऐसा आया जब इन्होंने डांस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ली। वाकई में इन्होंने वो काम करके दिखाया जो कि बाकी कोई सोच भी नहीं सकता था। कमाल का काम किया है जियांग जेंग जुई ने, और ऐसा करते हुए इन्होंने कई लोगों को इंस्पायर भी किया है। इन्होंने दुनिया को बता दिया कि चाहे परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ है वहां पर राह है। इसाया कोस्टा। दोस्तों, सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। जी हाँ, इनको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम सबसे कितनी ज्यादा अलग हैं। कहा जाता है कि इसी दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि छोटी छोटी बातों पर अपना दिल छोटा कर लेते हैं, तो वहीं इसाया कोस्टा जैसे कुछ लोग भी हैं जिन्होंने कमाल करके दिखाया है। जी हाँ, इनके पास बहुत कुछ है जो कि नहीं है। इनफैक्ट इन्हें सांस लेने के लिए भी नली नहीं है, और वो भी ये मशीन से ही सांस लेती है, और ये जिंदा है जैसे तैसे। डॉक्टर ने यह भी कह दिया है कि ये किसी दिन इस दुनिया को अलविदा कह सकती हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने आज तक किसी भी खाने को टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी सफलता इन्होंने हासिल की है। जी हाँ, इतनी परेशानी के बावजूद भी इन्होंने कमाल का गाना बनाया है। आपको बता दूं कि इसाया कोस्टा म्यूजिक भी प्ले करती हैं, और इनके सारे वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये सब कैसे मैनेज करते हो, तो इनका कहना था कि जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो वो काम आप आसानी से कर लेते हैं, और इनकी जितनी भी जिंदगी है वो उसे अपनी म्यूजिक में लगा देना चाहते हैं। वाकई में इन्होंने कमाल का काम किया है।
महेंद्र अहिरवार। वेल दोस्तों, अब हम आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं वो अपने देश भारत से ही हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कैसे महिंद्रा ने पैदा होते ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको भी लग रहा होगा इन्हें देखकर कि ये एक अलग ही एंगल से दुनिया को देख रहे हैं। जी हाँ, ये 180 डिग्री के एंगल पर दुनिया को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये आखिर महिंद्रा को हुआ क्या है, तो आपको बता दूं कि मामला है 2015 का, जब पता चला कि महिंद्रा को एक ऐसी बीमारी है जो कि 25,000 लोगों में से किसी एक को होती है। एक्चुअली कहा जाता है कि इन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वे अपनी गर्दन की हड्डियों को सीधे नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए किस तरह से इनकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी है। लेकिन सवाल था कि वजह क्या है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इन्हें जो बीमारी थी उसके हिसाब से इनके मसल्स के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि इनकी हड्डियों का वजन उठा सके। वजह थी महिंद्रा की गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती थी। लेकिन दोस्तों, 2016 में इनका इलाज शुरू हुआ। इनके गर्दन में एक एक एडिशनल प्लेट लगाया गया ताकि इनके गर्दन की वजन को वो प्लेट उठा सके और ये सीधे देख सके। सब कुछ हो गया, ऑपरेशन भी ठीक रहा, लेकिन 8 महीने के बाद अचानक ही महिंद्र की तबीयत बिगड़ गई और इनकी मौत हो गई। ये बहुत ही सैड स्टोरी थी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे बीच एक ऐसी बच्ची भी है जो कि बनी है शीशे से, तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको बता दूं कि ये बात सच है कि कोई भी बच्चा शीशे से बन कैसे सकता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं जोए लश की सच्चाई। जी हाँ, ये एक ऐसी बात है कि जब ये अपने माँ के पेट में थी तभी इन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जो कि बहुत ही खतरनाक थी। जी हाँ, इस बीमारी की वजह से जोए लश की पैदा होने से पहले ही कई सारी हड्डियां टूट गईं। आप समझिए दोस्तों इनकी परेशानी को। कहा जाता है कि अगर किसी की एक हड्डी भी टूट जाए तो जान निकल जाती है, और इस बच्चे के साथ ये समस्या है कि इनकी हड्डियां इतनी कमजोर हैं कि अगर ये चलने का भी प्रयास करती हैं तो हड्डियों के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तभी तो उन्हें स्पेशल तरीके से चलाया जाता है। आप देखिए कि अगर ये बच्ची ज्यादा तेज गति से चलने का प्रयास करती है तो इनकी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। तो ये है इनकी समस्या, इतनी कमजोर है ये, पर फिर भी जिंदगी जी रही है। टेसा इवांस। दोस्तों, ये है टेसा इवांस। अगर आपको लगता होगा कि आपकी जिंदगी में बहुत परेशानी है तो आप जरा इनकी कहानी सुनिए। ये जब पैदा हुई थी तब से ही इनके पास नाक नहीं है। इतना ही नहीं, इनके दिल में भी एक छेद है और ये तरह तरह से परेशान है, लेकिन फिर भी ये हमेशा हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, सबको खुश रखती हैं। लेकिन नाक नहीं होने की वजह से किसी भी चीज को स्मेल नहीं कर सकती, ये सांस भी गले से लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। जी हाँ, इनको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम सबसे कितनी ज्यादा अलग हैं। क्या आपने कभी इस तरह के बच्चे को देखा है? ये देखिए इनकी आंखें। आपको बता दें कि ये अफगानिस्तान का बच्चा है जो कि सबसे अलग दिखता है। यहाँ आप देखिए कि इनकी एक आंख ब्राउन है तो एक आंख इनकी ब्लू है। जी हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि नेचुरल है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, इनका नाम है आमिर और इन्हें बीमारी है जिसकी वजह से इनकी आंखें ऐसी लग रही हैं। लेकिन जो भी हो, इनकी आंखें बहुत ही अलग हैं और वाकई में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।